गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. बच्चों, यस्टरडे वी स्टार्टेड द लेसन 7, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. एंड इस लेसन में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स के बारे में बताया था. बच्चों, आज हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज आर नेचुरल हैबिटेट्स फॉर मैनी एनिमल्स. एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. बच्चों, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शार्क, ऑक्टोपस एंड फिश, व्हेल, ये सभी क्या हैं? कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स हैं. दीज एनिमल्स कैन नॉट लिव आउटसाइड वाटर. और ये जो एनिमल्स हैं, ये पानी से बाहर जीवित नहीं रह सकते. नेक्स्ट इज एम्फीबियस एनिमल्स. देयर आर सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल that can live both in water and on land. Such animals are called amphibious animals. बच्चों, कुछ animals ऐसे होते हैं जो पानी और धरती, पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह ही रह सकते हैं. उन्हें amphibious animals कहा जाता है, like turtle, frog and crocodile. ये वो animals हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और land पर भी रह सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. बच्चों, जैसे हमारे लिए और एनिमल्स के लिए पानी ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है. वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम पौधों को पानी देते हैं तभी वो ग्रो करते हैं. तो आज मैं आपको इसको डिटेल में बता रही हूँ कि पानी पौधों के लिए कैसे ज़रूरी है. प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. पौधों को ग्रो करने के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स, बहुत से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है. दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन द सोइल. और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल कर, मिट्टी में से घुल में से निकल कर पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं. और वाटर अब्जॉर्ब, प्लांट्स अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ दिस रूट. और पौधे क्या करते हैं, अपने रूट की हेल्प से पानी को अब्जॉर्व करते हैं और उस पानी के साथ जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वो अब्जॉर्व कर लेते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट्स के सभी पार्ट में पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है. दूसरा जो होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. और ये फोटोसिंथेसिस भी विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी पानी की ज़रूरत होती है. जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है. उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर, सोइल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होती है बच्चे, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती है. तो वाटर प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. वाटर एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स एक्वा मीन्स वाटर एंड प्लांट्स मीन्स प्लांट, जो पानी में रहने वाले मीन्स एक्वेटिक. एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले प्लांट्स. और एक्वेटिक एनिमल्स में पानी में रहने वाले एनिमल्स. तो अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स. वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं, जिनका नेचुरल हैबिटेट, जिनका लिविंग प्लेस जो है वो वाटर है, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है. लाइक लोटस, डकवीड,
वाटर हायसिंथ एंड वाटर लेट्यूस। ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर में ग्रो करते हैं। डू यू नो बच्चों, कमल ककड़ी ऑफन ईटन एज वेजिटेबल, इन फैक्ट द स्टेम ऑफ द लोटस प्लांट। लोटस प्लांट की जो स्टेम होती है बच्चे, वो हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं उसे, जिसे कमल ककड़ी कहा जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एम्फीबियस एनिमल्स के बारे में एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स के बारे में आपको अच्छे से समझाया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो आपने इन पेजेस को बुक में से एक बार अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।